दोस्तों, आपने हमेशा एक बात जरूर नोटिस की होगी, अपने स्मार्टफोन में या फिर चलाते हो आईओएस या फिर एंड्रॉयड, आपने देखा होगा कि जब मैंने वो पहले लिया था तो वो बहुत फास्ट काम करता था, लेकिन कुछ दिनों बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद जब वो यूज़ करते रहे तो इवन बहुत स्लो हो गया है, इवन लैग भी करने लगा है, और यहाँ तक कि हमारा फ़ोन कभी कभी हैंग हो जाता है। तो इसके क्या सॉल्यूशन है, क्या इससे हम परेशान होते रहेंगे या फिर आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आज आपको एंड्रॉयड या फिर आईओएस या फिर कोई सा भी स्मार्टफोन हो वो समय के साथ स्लो हो जाता है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में दे दूंगा। तो हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आशीष, आप देख रहे हैं टेक्निकल आशीष। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन्स के बारे में। आपने 2016 में लिया हो, 17 में, 18 में, 19 में, कभी भी लिया हो, उस साल से अब 1 साल के बीच में पूरी कहानी बताएंगे स्मार्टफोन की, और फिर आपको बताएंगे उसे ऐसा क्या क्या किया। तो सबसे पहले मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, आपने एक स्मार्टफोन लिया था 2017 में, कोई सा भी ले लीजिए, एक स्मार्टफोन आपने लिया, आपने उसे खरीद लिया, उसकी एक जो रैम है वो 3 GB है, स्टोरेज है 32 GB है, आपने उसमें कोई मेमोरी कार्ड नहीं डाला, आप उसे लगातार चलाते रहे, 6 महीने बीत गए, लेकिन आपकी जब जो स्टोरेज आई वो 30 GB तक भर गई, तो आपने देखा कि भाई हमारा जो फ़ोन है वो ज़्यादा ही लैग करने लगा। तो ऐसा इसका कारण क्यों हुआ, तो अब मैं आपको बता देता हूँ जिसके कारण आपके स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा स्लो होते हैं, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन को वही वापस उसी तरीके से अपने स्मार्टफोन को रिकैप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कारण आता है वो आता है स्टोरेज को लेकर। सबसे वही स्टोरेज है, आपने ले लिया 32 GB, 64 GB, 128 GB, आपने स्मार्टफोन तो ले लिया, लेकिन जब तक आपने 3 महीने 4 महीने चलाया, अच्छा चला, 5 से 6 महीने में हल्का लैग हुआ, आपको फील हुआ कि हाँ यार स्मार्टफोन में आ गया है कुछ कचरा या फिर कुछ भी, तो आपने सोचा कि भाई क्या किया जाए, तो आपने सब कुछ मान लिया, फॉर्मेट मान लिया, सब कर लिया, मेरी स्टोरेज तो लेकिन आपकी उतनी ही है, आपने क्योंकि वो डेटा रिकैप कर लिया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जितना भी आप स्मार्टफोन चलाते हो उसमें आप एक मेमोरी कार्ड डाल के जरूर रखिए, चाहे आपका 128 GB का स्मार्टफोन हो या फिर आपका 400 GB का स्मार्टफोन है, क्योंकि मैं अपने ऊपर ही एग्जाम्पल के लेके बताता हूँ, मैं भी एक स्मार्टफोन चलाता हूँ जिसकी 32 GB इंटरनल स्टोरेज है, तो वो भर जाती है यार, 30 GB पता नहीं पड़ता, हम फोटोज लेते हैं, एक फोटो ही मेरी 4 MB की आती है, तो भाई 4 MB की अगर 10 फोटो ले ली तो मेरी 40 MB वैसे ही हो जाती है, सोचिए 400 फोटो होगी तो 4 GB तो मेरी वैसे ही हो जाती है, तो 4 GB आपकी 400 फोटो में जा रही है, और मुझे 110% पता है आपके स्मार्टफोन में 400 से ज्यादा फोटोज होगी, 110% होगी। तो आप सबसे पहले अपनी ये फोटोज हटाइए, उसे डिलीट कीजिए, और अपने स्मार्टफोन में अपना एक अच्छा सा कोई 32 GB, 16 GB, 8 GB मेमोरी कार्ड डालिए, फिर उसे यूज़ करिए, तब आपकी एक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जिससे आपका स्मार्टफोन स्लो होना कम हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण आता है वो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसके ऊपर आपका स्मार्टफोन काम करता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका विंडोज़ का हो, फॉर एग्जांपल आपका एंड्रॉयड का हो, फॉर एग्जांपल आपका लिनक्स का हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो जिससे आपका स्मार्टफोन काम कर रहा है, जैसे अभी एंड्रॉयड है सबसे ज़्यादा, आईओएस है, तो सबसे पहले आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन जो आपने 2017 में लिया था वो काम कर रहा था आपका मार्शमैलो के ऊपर, लेकिन जो आपके नए नए प्ले स्टोर पर गेम्स आए, आपने वो डाउनलोड किए, पबजी खेला, अरे मज़ा आ गया, सही चल रहा है, बढ़िया। तो दोस्तों आप लोगों ने तो सोच लिया कि भाई हमने कहानी तो बता दी कैसे क्या होता है, आपने ये सॉल्यूशन तो इसका बताया नहीं, तो सॉल्यूशन के लिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, आपको हमेशा एक मेमोरी कार्ड यूज करना चाहिए अपने स्मार्टफोन में, जो भी आपकी स्टोरेज भर जाती है या फिर मेमोरी कार्ड भी भर जाता है तो उसके लिए आप अपने स्मार्टफोन से उसे डिलीट कीजिए या फिर अपने स्मार्टफोन से उसे रिमूव कीजिए और गूगल ड्राइव या फिर यूट्यूब पर उसे अपलोड कर दीजिए जिससे आप उसे बाद में यूज कर सकें। तो ये एक मेन कारण होता है अपने स्मार्टफोन को बचाने के लिए। और आपको स्मार्टफोन बहुत स्मूथली चलाना है, हमेशा ही चलाना है, तो कभी भी सिस्टम अपडेट मत कीजिए, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट मत कीजिए, जैसे सैमसंग का फोन तो सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया, तो उसे मत कीजिए, क्योंकि जो आपका स्मार्टफोन है वो 7.0 के प्रोसेसर के हिसाब से कंफर्टेबल है, मतलब उसे कोई लोड नहीं पड़ रहा है, इजी काम कर सकता है, जैसे कि आपका 8.2 का अपडेट आ गया तो उसमें हाई एंड ग्राफिक्स होंगे, कुछ बग्स फिक्स कर दिए जाएंगे, न्यू एप्स आ जाएंगे उसमें, 2-3 नए गैलेक्सी टाइप के कुछ भी आ सकता है, भाई वो आपके स्मार्टफोन को एनहेंस बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, स्मूथ बनाना चाहते हो, स्मूथ के चक्कर में कंपनियां भूल जाती है कि हम अपने अपडेट डालते जाते हैं और वो प्रोसेसर पर लोड पड़ता जाता है ऊपर से, मतलब कह सकते हैं ना कि पहले अपना स्मार्टफोन 1 किलो वजन उठाता था, अब वो 1.5 किलो उठाने लगा है, अब तो उसके ऊपर 2 किलो रख दिया है, तो वो काम ही नहीं कर रहा है, मतलब लैगी हो गया बिल्कुल। तो ये एक मेन चीज़ है, आप अपने सिस्टम अपडेट को एक बार कीजिए, उसके बाद आए तो हटा दीजिए, नहीं करना भाई साहब मना कर दो, नहीं।
अगला जो कारण आता है, आप अपने कह सकते हैं हार्ड डिस्क ले लीजिए या फिर किसी भी स्टोरेज को ले लीजिए, उसे उसमें डाल दीजिए अपना डेटा, या फिर आपको कहीं भी नहीं रखना, इससे भी आपका स्मार्टफोन की स्टोरेज बच सकती है। जो अगला कारण आता है अपने स्मार्टफोन को स्मूथ बनाने का, वो ये है कि आप अपने स्मार्टफोन में कभी भी अपने ऐप्स अपडेट मत कीजिए। जो आपके प्ले स्टोर पर जैसे आपने कैंडी क्रश खेला, कैंडी क्रश का अपडेट आ गया, भाई नया आ गया, अच्छा दिख रहा है, तो भाई ये सब मत कीजिए बिल्कुल। अगर आप ऐप्स अपडेट करेंगे तो इवन उसकी स्टोरेज तो बढ़ी जाएगी। पहले ऐप था 13 MB का, अब हो गया वो 1300 MB का भाई। पहले ऐप था 13 MB का, अब हो गया 1300 MB का। देख रहे हैं कितना डिफरेंट हो जाता है। तो भाई ऐसा ये पहले पबजी आता था 700 MB में, आगे आ गया 1.5 GB में। तो इससे आपकी स्टोरेज भरेगी, प्रोसेसर पर लोड पड़ेगा, फोन हैंग होगा, लैग होगा, आप कहेंगे भाई जो पहले मजा आता था अब नहीं आ रहा है। तो भाई यही है तो दोस्तों बस यही था पूरी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चैनल पर रोजाना टेक से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। और आपने मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक वगैरह पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके फॉलो कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।